सकल दिखाओ अपना। और खाएगी? नहीं। ले रख ले। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ले। मॉर्निंग 7 a.m. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियली वाला ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ शादी के 1 week बाद घूमने। मैं नहीं, पूरी फैमिली जा रही है। तो आज होने वाला है फैमिली ट्रिप, वो भी कहाँ, आपको वैसे भी थंबनेल लेके पता चल ही जाएगा। बट आज हम जा रहे हैं, बता ही देती हूँ, मैन पार्ट। तो आप कंटिन्यू रहिए, दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू जो एकदम नेचुरल वाला है। तो मिलते हैं गाइस आगे। देखिए अभी हम लोग पत्थलगांव पहुंच गए हैं, थोड़ा सा रोड खराब है, आगे बहुत अच्छी रोड मिलेगी। आप इधर भी देख सकते हैं, कहीं पत्थलगांव का नज़ारा देख सकते हैं। और इधर आज मौसम भी वैसे खराब है, लेकिन खुशनुमा माहौल लग रहा है। गाड़ी का बोनट नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए रोड में काफी सारी गाड़ियां भी आ रही हैं। और ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये जसपुर की ओर जाती है। और ये जो रोड है, ये अंबिकापुर की ओर जाती है। कहने से अभी हम लोग अंबिकापुर रोड में जाएंगे। देखिए ये बस स्टैंड रहा यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बस पत्थलगांव बस स्टैंड है। और ये ऐसे देख सकते, हमारे साथीगण भी ऐसे देख बैठे हुए हैं, सब लोग हाय करते हैं। बाय करना नहीं है, हाय करना है। और ये मैं हूँ। आप थोड़ा अच्छा रोड मिल गया है, आज का समय बहुत अच्छा कटने वाला है। और हमारे ड्राइवर जी भी इधर है, और उसके आज का सफर खुशनुमा माहौल बनने वाला है। कुछ दूरी के पश्चात पत्थलगांव समाप्त हो जाएगा। ये से ना समझे कि पत्थलगांव समाप्त हो जाएगा, रास्ता समाप्त होने वाला है। रोड कंस्ट्रक्शन की स्थिति भी है, रोड बन रहा है। छत्तीसगढ़ का ये भी थोड़ा बदकिस्मती है, आज का जो सफर है काफी बेहद अच्छा शानदार खुशनुमा होने वाला है। और आप लोगों को आगे वीडियो दिखाएंगे, जब मैन पार्ट पहुंचेंगे ऐसे दृश्य दिखाएंगे जो आप देखते रह जाएंगे। ये जो रोड है, ये जाता है, कहाँ जाता है? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस साइड के देखिए, किलकिला का नजर देखिए, इस साइड अपना देखते हैं नदी, किलकिला नदी। ये छोटा सा, हाँ ये छोटा सा है, मगर ये धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ काफी भीड़ होता है। आप मोबाइल स्क्रीन पे अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि यहाँ से अपना घाटी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जो जो भी जंगली जानवर देखते हैं, बीच में बंदर वगैरह मिलेंगे, सब कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। देखने लायक मिरर बंद करना, थप्पड़ मार दिया देखो, 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 देखो। से उछल के आया ना तो जी लगा दिए, दो थपड़ा मेकअप खराब, बीच के दो झापक लगाए।
ये जबरदस्त दिख रहे हैं। ये है हमारा बटालियन। हाय छोटू, पानी दे दो, पानी और डालो, हाथ यहाँ से ला दो, हाथ ला दो, दे दे फिश पार्टी। हाँ, पर पंडिया फिश पार्टी खाया है। इधर जाना होगा। अच्छा इधर तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली, इसीलिए सेल्फी लेना माना हमने। क्या
ऐसा तेल निकलेगा ऐसा। शरीर का अंदर का कोई भी दर्द है, कमर का, गेट का, जोड़ का दर्द है, साइटी का, इसमें काम देगा। चलो चलो पानी जैसा है कि उस पर धन्यवाद आपका बहुत बहुत आदमी गिर के नहीं चले दे 90 रुपया। हाँ चलो उनका भी ठीक है कि नहीं। सॉरी ये कहाँ थे वाह क्या नज़ारा है यहाँ से। तो बारात पार्टी, तुम बारात में आए हो कि घूमने? पेट भर लेना यहीं पे, अभी से खाना शुरू कर दो। अच्छा सो गाइस आप देख ही सकते हैं ये है उल्टा पानी का बोर्ड, और हमारे जो सर हैं वो एक छोटा सा फूल लेके इसको बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये ऊपर साइड जा रहा है, ये दिखने में ना नॉर्मल सा नाला है, बट यहाँ एक आम का पेड़ है, वहाँ से पानी निकलता है और ये पानी नीचे ना जाके ना ऊपर जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, लोग इसी को देखने आते हैं।